हेलो डी चिन फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक और हॉरर गेम खेलने वाले हैं, बट अभी ना इसको स्टार्ट करने से पहले एक सारी तो बनती है गाइस। तो अर्ज किया है मैंने, अपने मोबाइल को चार्ज कर लिया है फुल्ली। तो गाइस यार सब लोग रेडी हो जाओ क्योंकि आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी विद गुल्ली बुल्ली। ओके, तो गाइस फटाफट से गेम प्ले को शुरू करते हैं। तो गाइस जब तक गेम प्ले शुरू हो रही है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ टल्ली बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना रे बाबा। तो अभी फाइनली मैं ग्रैनी बुढ़िया घर पे आ चुका हूँ। अरे भाई अब तो हम लोग इसको बुढ़िया भी नहीं बोल सकते क्योंकि ग्रैनी ना गाइस इधर काफी जवान हो चुकी है। अच्छा, और अभी ना ग्रैनी चलती नहीं यार, भागती है। तो चलो यार अभी हम लोग भी यहाँ से भागते हैं। ओके, तो इसको खोलने के लिए मेरे को की चाहिए होगी, शायद से की मुझे इससे मिल जाए। तो जल्दी से इस वाले ड्रॉअर को चेक कर लेते हैं, और भाई साहब इसमें तो कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग को पता गए तो आप लोग जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। और अभी एक सेकंड, फैन के ऊपर कुछ तो चमक रहा है, तो जल्दी से इस वाले फैन को चालू कर लेते हैं। और पता नहीं क्या मिला है मुझे। ओ भाई साहब, तो फाइनली मेरे को की मिल चुकी है, और अभी ना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुढ़िया भी यहाँ पे भागे भागे आती होगी। अब यार ये तो मेरे पीछे ही आ रही है। ये लो बताओ यार, डंडा भी कोई खाने की चीज है, खिलाना ही तो कुछ अच्छा खिलाओ रे बाबा। तो अभी फाइनली मैं ग्रैनी से बचते बचाते ऊपर की साइड आ चुका हूँ, और इससे पहले ग्रैनी अभी वापस से आ जाए फटाफट हम लोग यहाँ के सारे गेट को ओपन कर देते हैं। एंड आज ना गाइस हम लोग कार स्किप करने वाले हैं। तो चलो यार सबसे पहले हम लोग कार का आइटम को ढूंढ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी एक ड्रॉअर है, तो जल्दी से इसको ओपन करते हैं। और यहाँ से मेरे को गैरेज की मिल चुकी है, बट अभी ना इसको लेने से पहले मेरे को इस वाले की को फेंकना पड़ेगा। ये सब करने से पहले मैं इस वाले रेड वाले बटन को दबा लेता हूँ, इससे उधर का गेट भी ओपन हो जाएगा। तो मैं ना इस वाले की को इधर पे फेंकने वाला हूँ, बट यार यहाँ पे शायद एक कार का टायर भी पड़ी है। तो अभी मेरे को कार स्किप करने कार की टायर मिल चुकी है, बट अभी ना इसको ले जाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी शोर शराबा कर लेता हूँ, जिससे ना गाइस ग्रैनी इधर पे आ जाएगी। और फिर के गाइस मैं टायर लेके साइड से निकल लेगा रे बाबा। मेरे को तो अभी काफी डर लग रहा है, मुझे नहीं पता ये ग्रैनी बुढ़िया अभी कहाँ पे कैंपिंग कर रही होगी। ओके, तो ग्रैनी अभी बाहर की साइड है, तो थोड़ा सा संभाल के क्योंकि ग्रैनी के हाथों से मेरे को भी बिल्कुल नहीं मरना है। तो मुझे ना इस वाले टायर को लेकर अभी गैरेज की ओर चलना है। और भाई मजे की बात ये कि मेरे को पता ही नहीं गैरेज किधर की ओर है, वैसे आई थिंक गैरेज इधर पे होना चाहिए। तो चलो गाइस फटाफट से अभी हम लोग गैरेज की ओर चलते हैं, बस यार अभी यहाँ पे ग्रैनी ना हो। तो चलो यार फिलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है, और गैरेज को खोलने के लिए मेरे को गैरेज की जरूरत पड़ेगी। तो टायर को हम लोग यहीं पे फेंकते हैं, यहाँ से भी निकलते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे काफी शोर हो गया, और शोर सुनकर ग्रैनी यहाँ पे आती होगी। आती भी नहीं, आ गई। अरे मेरे से बच के भागे किधर तू? अरे ये बुढ़िया नाम की बुढ़िया है, ये बुढ़िया काफी तेज भाग रही है, इतना तेज तो मैं भी नहीं भाग सकता रे बाबा। ओके गाइस, तो लास्ट टाइम गैरेज के मैंने उस साइड पे देखा था, तो मुझे ना अभी गैरेज को खोलने के लिए गैरेज की जरूरत पड़ेगी। तो जल्दी से चलकर हम लोग गैरेज की को ले लेते हैं। अरे भाई ये तो खाली दिख रहा है। ओके नहीं नहीं नहीं, गैरेज की इसी के अंदर है। लिटरली यार मेरे को लगा चाबी यहाँ से किसी ने चुरा ली, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस। मैं तो यार छूट मुट का ही परेशान हो रहा था। अबे यार ग्रैनी तो यहीं पर है यार, निकल लो भाई निकल लो यहाँ से। अरे बात तो किधर है, मेरे थोड़ा बात तो कर ले। आज तो मैं ग्रैनी के षड्यंत्र में बिल्कुल नहीं फंसने वाला, मेरे को भी मालूम है, मेरे को भी बात करने बुला गया, फिर मैं टकला फोड़ते गिरे बाबा। बात तो सही है। तो अभी ना गाइस मेरे को इस वाले टायर को यहाँ पे लगाना है, और ये लो गाइस मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, और मेरे को ग्रैनी का कार काफी मस्त लग रहा है। तो आज हम लोग यही कार चुरा के भागने वाले हैं। और अभी एक सेकंड भाई, यहाँ पे कुछ तो पड़ा है। अच्छा तो यहाँ पे क्रोवर पड़ा है गाइस। तो चलो यार अभी मेरे को क्रोवर भी मिल चुकी है, और मेरे को यहाँ पे प्लैंक भी दिख रही है ढेर सारी। तो जल्दी से चलकर इसको हटाते हैं ना गाइस। तो इसको हटाने के लिए भी मेरे को हैमर चाहिए होगी। भाई सब ये तो बिल्कुल गलत है, इसका मतलब ये क्रोवर कहीं और पे काम आने वाली है। भाई तो इससे पहले बुढ़िया मेरे को देख ले, निकल लो भाई निकल लो यहाँ पे शोर करके। अरे मेरे सामने शोर करता है, शोर करने वाले का मुंह बना देता हूं। तो चलो गाइस तो फटाफट से ये सारे ड्रॉअर को चेक कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो लेट्स गो गाइस फटाफट से कहीं और चलते हैं। तो गाइस मेरे को ना अभी कार सेव करने के लिए बहुत सारे आइटम चाहिए होंगे, और भाई यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो फटाफट से नीचे की ओर चलते हैं। आई नो कि गाइस मेरे को किचन में कुछ ना कुछ तो अभी जरूर मिलना चाहिए। तो अभी ये भी खाली है, उपसाइज से मैं यहाँ पे अटक गया। तो आज मैं ये सारे कवर्ड को चेक करने वाला हूँ। अरे भाई ये भी खाली है, तो अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कवर्ड है बाबा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा।
ओके तो अभी फटाफट से फ्रिज को ओपन करते ना गाइस। और मेरे को यहाँ से कार की मिल चुकी है भाई साहब, इतनी खुशी इतनी खुशी। तो अभी ना यहाँ पे कुछ कबर्ड अभी भी बाकी रह गए चेक करने को, तो स्कूटर हैंडल हमारा कोई काम नहीं आने वाला। और अभी एक सेकंड भाई, मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा, मेरे को यहाँ से कार स्टीयरिंग और इंजन पार्ट भी मिल चुकी है। और मुझे लगा था कि यहाँ पे भी मेरे को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, बट अभी कोई बात नहीं गाइस, फिलहाल यहाँ पे मेरे को काफी कुछ मिल चुका है। तो अभी हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे शोर करेंगे ताकि ये शोर से ग्रैनी यहाँ पे आ जाए और फिर हम लोग निकल लेंगे रे बाबा। अरे रुको यार, मैं अभी उल्टा साइड भाग रहा हूँ, ग्रैनी अभी उसी साइड से आती होगी। और अभी ना इससे पहले ग्रैनी इधर पे आ जाए, मैं पीछे की साइड से निकल लेगा रे बाबा। मैंने ये ड्रोवर तो देखा ही नहीं यार, तो जल्दी से अभी इस वाले ड्रोवर को भी चेक कर लेते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ओके तो यहाँ पे की है जो कि इस बाथरूम की, जो कि शायद से बाथरूम में लगेगी। ओ भाई ग्रैनी कितना फास्ट भागी अभी। तो चलो यार फटाफट से कार के पास चलते हैं। तो कार की से हम लोग इसको अनलॉक कर लेते हैं एंड मेरे को यहाँ से रूफ की मिल चुकी है। तो अभी ना आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि मुझे मालूम है ये वाला की अभी किधर पे लगेगा। बस सर यहाँ पे भी ग्रैनी ना हो। ओके तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो फिलहाल मेरे को यहाँ पे कार बैटरी भी मिल चुकी है जिसको हम लोग बाद में ले जाने वाले हैं। तो जल्दी से चले रूफ को अनलॉक कर लेते हैं एंड अभी यहाँ से जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं क्योंकि ग्रैनी अभी यहाँ पे आती ही होगी। तो लास्ट टाइम मैंने ना किचन पे इंजन पार्ट भी दिखा था, तो जल्दी से चल कर हम लोग उसको ले लेते हैं और ना ग्रैंडपा बूटा चुरा लेगा रे बाबा। तो चलो गाइस अभी फटाफट से इसको हम लोग को भी बस कार पे लगाना है, बट रुको यार उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी शोर शराबा कर लेता हूँ ताकि ये शोर शराबा से ग्रैनी इधर पे आ जाए। ओके तो आई थिंक इतना इनफ होगा। और अभी ना गाइस बस इसको यहाँ पे लगाना है और भाई निकल लो यहाँ से, निकल लो अभी। और अभी वेट यार, ये कौन सी की है? अरे भाई ये तो कार की ही है यार, मेरे को तो बहुत ज्यादा ही डर लग रहा, बस अभी यहाँ पे ग्रैनी ना आ जाए। मगर क्यों, वरना वो मेरे हाथों से पिट जाएगी रे बाबा। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गई। तो अभी ना फटाफट से सोलर स्टीयरिंग को उठा लेते हैं एंड इसको लेके थोड़ी से हम लोग यहाँ पे शोर करेंगे ताकि अभी ग्रैनी को पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पे छिपे हैं। और इसको सुनके ना गाइस, ग्रैनी भी भागे भागे से आएगी। तो अभी कह रहे बाबा जल्दी से अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं ना गाइस। यार मेरे को तो डर भी लग रहा है, बस ग्रैनी यहाँ पे नहीं आ जाए। और यार डर के मारे मैंने लैंप भी गिरा दिया, अब तो ग्रैनी यहाँ पक्का आएगी गाइस, पक्का ग्रैनी यहाँ पे आएगी। लेकिन यार मैं अभी उधर भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि ना गाइस ग्रैनी अभी उधर से ही आ रही होगी। वैसे यार मैं इतना क्यों डर रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। अरे भाई ग्रैनी तो मेरे ही पीछे पड़ी है। अरे ग्रैनी छोड़ दो मेरा पीछे, मेरे को डर लगता है रे बाबा। बस हवा निकल गई। तो भाई अभी मैं जैसे तैसे बचते बचाते गैरेज की साइड पहुंच चुका हूँ एंड गाइस मुझे ना इस वाले स्टीयरिंग को भी इसके अंदर लगाना है और उसके लिए इस वाले कार का गेट को ओपन करना पड़ेगा। तो अभी कह रहे बाबा फटाफट इसका गेट को ओपन करते ना गाइस। ओके तो अभी गेट ओपन हो चुकी है, तो चाबी को हम लोग यहाँ पे फेंक देते हैं। और भाई अभी मेरे को जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रैनी अभी भागे भागे से आती होगी। और ये बस अभी इसको यहाँ पे लगाना है। तो फाइनली अभी कार की स्टीयरिंग भी लग चुकी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो फिलहाल मेरे को यहाँ पे कटिंग प्लायर मिल चुकी है एंड मुझे अच्छी तरह से मालूम इसका यूज कहाँ पे करना है। भाई सब जल्दी चलो भाई, कहीं यहाँ पे ग्रैनी ना आ जाए। तो मुझे ना इस वाले कटिंग प्लायर से ये सारे वायर को कट करना पड़ेगा, वरना गाइस इससे हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकती है। एंड अभी हमें ऊपर गेट खोलने के लिए रूफ की चाहिए होगी जो की मैंने यहाँ पे ड्रॉप करी थी। तो जल्दी से भी हम लोग चाबी से इसको ओपन कर लेते हैं। ओके तो फाइनली ओपन हो चुकी है एंड देखते हैं हमें गाइस यहाँ से क्या मिलती है। ओके तो वहाँ पे भी कुछ तो चमक रहा था, तो सबसे पहले चलकर हम लोग एक बार यहाँ पे देखेंगे। अरे भाई तो यहाँ से हम लोग रूफ स्केप कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोग को रूफ स्केप भी चाहिए ना तो कमेंट में रूफ स्केप लिख देना। तो फिलहाल के लिए फटाफट से हम लोग ऊपर की साइड चलते हैं, देखते गाइस हमें यहाँ से क्या मिलता है। तो मेरे को यहाँ से हाइड्रोलिक लैडर मिल चुकी है एंड मुझे भी मालूम है इसको कैसे यूज करना है। तो चलो यार अभी फटाफट इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं एंड इसके ऊपर मेरे को भी चढ़ जाना है। और यहाँ पे ना गाइस एक लीवर है, तो सिर्फ और सिर्फ इसको दबाना है भाई। और अभी देखो भाई हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं। ओ भाई तो मेरे को यहाँ से अभी फ्यूल भी मिल चुकी है। तो अभी सारे के सारे कवर्ड भी चेक कर लेते हैं, क्या पता मैं यहाँ पे कुछ काम का मिल जाए। तो फिलहाल इस वाले कवर्ड में नेल को छोड़कर कुछ भी नहीं है। तो चलो यार फटाफट से हम लोग गैरेज की ओर चलते हैं। तो चलो यार अभी फटाफट से हम लोग फ्यूल को भर लेते हैं एंड फ्यूल भरने के बाद मेरे को बुल्ली को बचाना पड़ेगा क्योंकि आज ना गाइस हम लोग अकेले स्केप नहीं करने वाले, हमें यहाँ से बुल्ली को भी लेकर स्केप करना है। तो चलो गाइस अभी फ्यूल तो भर गया, अभी मेरे को बस बैटरी लाना है कार की। और कार बैटरी मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे दिखा था जो कि फिलहाल अभी भी यहीं पे पड़ा है। तो गाइस अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। नहीं प्लीज गाइस कर दो ना, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं।
तो चलो यार फटाफट अभी बैटरी को कार पे लगाते हैं। एंड मेरे को यहाँ से स्केप करने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ बुल्ली को बचाना पड़ेगा। और अभी मुझे मालूम है गाइस, ये ग्रैनी बुढ़िया ने बुल्ली को कहाँ पे किडनैप करके रखा है। तो अभी ना मेरे को बुल्ली को बचाने के लिए सबसे पहले स्टोर की चाहिए होगी, जो कि गाइस मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे ड्रॉप करा था। तो अभी कह रहे बाबा फटाफट से इसको उठाते हैं, यहाँ से चलते ना गाइस। अभी बस यार यहाँ पे ग्रैनी ना हो, वरना आप लोगों को तो पता ही ग्रैनी कितनी खतरनाक है। ओके तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं, लेट्स गो गाइस। और ये देखो बुल्ली भी यहीं पे बेहोश पड़ा है, तो जल्दी से हम लोग बुल्ली को उठाते हैं। एंड अभी इससे पहले ग्रैनी को पता चल जाएगी हम लोग बुल्ली को लेकर यहाँ से जा रहे हैं, तो उससे पहले हम ही लोग निकल लेंगे ना बाबा। यार पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है मैं पिटने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ग्रैनी के तेज तेज फुट स्टेप आ रहे हैं। तो चलो यार कार की यहीं पे पड़ी है ना, अभी इसको उठाते हैं, लेट्स गो गाइस। तो अभी फाइनली ग्रैनी विद गुल्ली बुल्ली का कार इसके पूरा कर लिया है। तो बाय बाय ग्रैनी, बाय ग्रैंडपा। अब यार ग्रैंडपा तो इसमें थे ही नहीं, बुलाना पड़ेगा। खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय गया ना, ना, ना। खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय गया।